झगड़ना किसे पसंद है? किसे भी नहीं, स्पेशली जब वो फाइट आपके लव्ड वन के साथ होती है, हस्बैंड वाइफ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, इन लोगों के साथ झगड़ा तो बाप रे आपका पूरा मूड ऑफ हो जाता है, यू नो पूरा दिन बेकार जाता है, रात बेकार जाती है, हर चीज बेकार ही बेकार लगती है, यू नो तो झगड़ना इज द वर्स्ट थिंग। तो गाइज एंड गर्ल्स, आज की टॉपिक है सबसे अच्छे तरीके अपने लव्ड वंस के साथ झगड़ा सुलझाने के लिए। चेक इट आउट। पॉइंट नंबर वन, फोकस ऑन द करेंट फाइट। यू नो जब आप झगड़ रहे हैं तो जिस बात पर आप झगड़ रहे हैं उस पर फोकस करें। ये नहीं 10 फाइट्स पहले की बात आप कर रहे हैं, ओ वो फाइट में तुमने ये बोला, वो फाइट में तुमने वो बोला। नहीं यार प्लीज, उससे कुछ नहीं होने वाला है। करेंट फाइट है ना, वो फाइट सॉर्ट आउट करिए और आगे बढ़िए। पॉइंट नंबर टू, मिसकम्युनिकेशन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। ज्यादा से ज्यादा फाइट मेरे तजुर्बे से होती हैं मिसकम्युनिकेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। उन्होंने कुछ बोला, आपने कुछ समझा, आपने कुछ बोला, उन्होंने कुछ समझा, उसकी वजह से सबसे ज्यादा फाइट्स होती हैं। तो कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, मिसकम्युनिकेशन है, बात करिए, डिस्कस करिए। अगर आप डिस्कस करेंगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो बात करना बहुत जरूरी है मिसकम्युनिकेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग को हटाने के लिए। पॉइंट नंबर थ्री, रिमाइंड योरसेल्फ अबाउट द अदर पर्सन गुड क्वालिटीज। ओके, आप फाइट कर रहे हैं फिर आप दूसरे के बारे में बस बुरी चीजें सोचते हैं, उसमें ये नुक्स है, उसमें ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। नहीं, उनकी जो अच्छाइयां हैं जिनकी वजह से आप उनके साथ हैं वो भी जहन में रखिए, वो भी दिमाग में रखिए। ये चीज बहुत ही जरूरी है एक फाइट को सॉर्ट आउट करने के लिए। अगर आपसे बुरा सोचेंगे तो फिर फाइट बढ़ते रहेगी, अगर आप उनकी अच्छी क्वालिटीज दिमाग में रखेंगे तो फाइट और आसानी से सॉर्ट आउट हो जाएगी। पॉइंट नंबर फोर, अंडरस्टैंड ऑल पॉइंट्स ऑफ व्यू। देखिए आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू होगा, तो सब पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश करिए। यू नो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी फाइट समझने की कोशिश करिए, वो क्यों झगड़ रहे हैं, वो क्यों अपसेट है, फिर आप फाइट सॉर्ट आउट कर पाएंगे और भी आसानी से। तो अंडरस्टैंड ऑल पॉइंट ऑफ व्यूज ऑलवेज। पॉइंट नंबर फाइव, स्टे काम, शांत रहिए। अगर आप शांत रहेंगे फाइट अच्छे से सॉर्ट आउट कर पाएंगे। अगर आप भड़के रहेंगे, गुस्से में रहेंगे तो नहीं, आप फाइट सॉर्ट आउट करना ही नहीं चाहेंगे। आप सिर्फ अक्यूज करते रहेंगे, तुमने ये किया, तुमने ये किया, तुमने ये किया, दैट्स इट, आप वही करते रहेंगे। तो शांत रहिए और फाइट सॉर्ट आउट अपने आप हो जाएगी। पॉइंट नंबर सिक्स, द सूनर यू सॉर्ट आउट द फाइट द हैप्पियर यू विल बी। देखिए जितना और आप फाइट को खींचेंगे उतना और फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, उतना और दुखी रहेंगे। जितनी जल्दी फाइट सॉर्ट आउट हो जाएगी आप खुश हो जाएंगे, आपके पार्टनर खुश हो जाएंगे। तो सॉर्ट आउट द फाइट, फास्ट खत्म करो, आगे बढ़ो प्लीज। पॉइंट नंबर सेवन, डू नॉट से सॉरी एंड बट टुगेदर। नहीं मैं सॉरी हूं बट तुमने ये, बट तुमने वो। नहीं, अरे सॉरी है ना तो बस सॉरी पर टिके रहो। आई एम सॉरी, मैंने ये किया, फाइन। ये नहीं कि मैं सॉरी हूं मैंने ये किया, पर तुमने ये किया, पर तुमने वो किया। नहीं, सॉरी बोलो, दैट्स इट, फिर मुंह बंद रखो उसके बाद। नो बट, नो इफ, जस्ट सॉरी। लास्ट पॉइंट नंबर एट, चलो मान लो आप सही हैं, यू नो फाइट आपकी वजह से नहीं है, एक फैक्ट है वो, ओके फाइन। फिर भी कभी कभी आप पहला कदम लीजिए, आप यू नो बात करने की कोशिश करिए, फाइट सॉर्ट करने की कोशिश करिए। इवन दो आप राइट हैं, कोई बात नहीं, इसमें ईगो रखने की कोई जरूरत नहीं है। कभी कभार आप भी पहला कदम उठाएंगे, अगर आप सही भी हैं उसमें आपका कुछ नहीं जाएगा। तो टेक द फर्स्ट स्टेप, सॉर्ट आउट द फाइट। जितनी जल्दी फाइट सॉर्ट आउट होगी आप भी खुश, वो भी खुश। या गुड, ऑलराइट गाइस, तो ये थी आज की टॉपिक। अगर आपको ये टॉपिक अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, फ्री में है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर ऐसी कोई भी टॉपिक है जिसके बारे में आप चाहते हैं मैं बात करूं तो नीचे जो कमेंट सेक्शन है उसमें कमेंट करिए, मुझे जरूर बताइए। और जो बेल आइकॉन है वो घंटी, उस पर क्लिक करिए, क्योंकि जो भी वीडियो आएगा इसके बाद आपको उसके बारे में अलर्ट्स मिलेंगे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, आई लव यू।